हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजा एडिट। तो गाइस, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस देखिए, फोटो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होने वाली है। एंड गाइस, एक मैंने फ्रेम टाइप वाली एडिटिंग के बारे में बताई थी, गाइस सेम उसी टाइप में है। इसको भी गाइस आप फ्रेम करा कर अपने घर पर लगा सकते हो, या फिर गाइस अभी तक जितनी आपने एडिटिंग की है उन सबका यूज इसमें कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। और गाइस, बैकग्राउंड ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम रिसाइज पर जाते हैं। और यहाँ गाइस रिसाइज पर जाने के बाद हम इसको गाइस अपने रिसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2500 भर लेते हैं और उसके बाद से डन करते हैं। डन करने के बाद से गाइस हम सिंपली ऐड फोटो पर चले जाएंगे। और यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं गाइस, अपने मॉडल को ऐड कर लेना। तो यहाँ पर गाइस हम अपने मॉडल को कर लेते हैं ऐड। तो गाइस, इसके बैकग्राउंड को मैंने पहले से इरेज कर रखा है, तो अगर आपने नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने मॉडल को बीच में एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ लगाने के बाद से गाइस हम इसमें थोड़ा सा शैडो बना देते हैं, ठीक है। तो गाइस हम यहीं से शैडो बना देंगे, शैडो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और गाइस हम फिर से इसको एडजस्ट कर लेंगे बस। तो यहाँ पर हम इसमें इसको ब्लर रेडियस फुल कर देंगे और इसकी ओपेसिटी अबाउट 30% रख लेंगे और फिर इसको यहाँ से हम डन कर देंगे। और यहाँ से डन करने के बाद से गाइस सिंपली हम ऐड फोटो पर चले जाएंगे। और यहाँ से गाइस आपने एक बैलून की पीएनजी ले लेनी है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। और गाइस इसको ऐड करने के बाद से हम सिंपली इसको एफएक्स में लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं इसको एफएक्स में लेकर, सॉरी ये रहा। तो इसको एफएक्स में ले जाने के बाद से हम सिंपली इसका कलर ले जाकर इसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। और ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसका अमाउंट जीरो करके डन कर देंगे। और डन करने के बाद से देखिए गाइस आपका कुछ इस तरह का फुल ब्लैक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना शुरू करना है। रेंडमली आपने जहाँ भी लगाना हो आप इसे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको लगाना शुरू करते हैं, इसको एक डुप्लीकेट बनाएंगे। और गाइस ऐसे ही डुप्लीकेट बनाते बनाते आपने पूरे फोटो में लगा लेनी है, आपने जितना फोटो लगाना हो उस हिसाब से। तो हम यहाँ पर गाइस डुप्लीकेट करके 5-6 लगा लेते हैं, उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर डुप्लीकेट करके कुछ स्टेप से कर लिया तो और डन भी कर लिया। तो सिंपली अब इसके बाद से हम ऐड फोटो पर जाएंगे। और आपने जितने बैलून लगा रखे हैं ना, तो उसके बाद से ऐड फोटो पर जाने के बाद से उतनी फोटो आपने ले लेनी है। मतलब 6 बैलून लगा रखे तो 6 फोटो आपने ले लेनी है जो आपने एडिट की वो, ठीक है। तो इसको लेने के बाद से अब हम क्या करेंगे, सबको तो पहले एक साइड में कर लो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबको साइड में कर लेते हैं और फिर एक फ़ोटो को लेकर आएंगे और एक बैलून के ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पर गाइस बैलून के ऊपर ले जाने के बाद से हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस हम चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आपने रख लेना है लाइट एन, ठीक है। तो लाइट एन रखने के बाद से गाइस देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा बैलून के अंदर। बट देखिए ये थोड़ा ग्रे कलर में है, तो सिंपली इसको हम इरेजर में ले जाएंगे, हार्डनेस जीरो करेंगे और साइज़ को आपने 50% रखना है। और फिर गाइस आपने इसके साइड साइड से राउंड टाइप में मारना है, जैसे कि शैडो टाइप में होता है उस टाइप में कर देना है कि अंदर हमारा शैडो टाइप में, मतलब बैलून में ही है हमारा फोटो। तो हम कुछ इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा गाइस एकदम परफेक्टली इरेज हो गया, लग रहा ऐसा लग रहा है कि मतलब बैलून में ही हमारा फोटो है। तो गाइस हम एक और फोटो उस पर लगा देते हैं, दूसरी फोटो हम लगाते हैं उसमें दूसरे बैलून पर। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया। और देखिए ये थर्ड वाली मैं बता रहा हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इसका आप ब्लेंडिंग मोड लाइट एन करोगे ना तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। स्क्रीन नहीं रखना है आपने, लाइट एन रखना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हमें बस इरेजर पर जाना है, हार्डनेस जीरो करनी है और यहाँ पर इसके साइज़ को 50%। और गाइस बस आपने साइड से राउंड टाइप में मार देना है, मतलब शैडो टाइप में हल्के हल्के इरेज कर देना है कुछ इस टाइप में, मतलब ज़्यादा नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का आपने रखना है। तो हम यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, सॉरी इसको बैक करना पड़ा। हाँ तो अब देखिए, अब हमारा ये परफेक्टली हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको डन कर देंगे और बाकी फ़ोटोज़ को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं गाइस। उनको थोड़ा हम फास्टली कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस देखिए हमारा सब परफेक्टली डन हो चुका है, तो सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। और यहाँ से डन करने के बाद से हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो को एफएक्स में लेकर जाते हैं और यहाँ पर थोड़े मॉडल के फेस को स्मूथ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम ब्लर पे जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ब्लर आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसकी ओपेसिटी अबाउट 10% आपने रख लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 10 रखते हैं और उसके बाद से इसको इरेजर में ले जाते हैं, फिर क्लियर ऑल करके और हम क्या करेंगे, ब्रश पर सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी अबाउट 30% और हार्डनेस भी 30% रखना है और ब्रश अपने हिसाब से रखना है। उसके बाद से गाइस आपने इसे फेस पर ब्रश कर लेना है,
फिर अभी आप देख लेना कितना स्मूथ हो जाएगा हमारा फेस। तो गाइस देखिए इसे करने के बाद हमारा फेस एकदम स्मूथ हो चुका है। तो सिंपली यहाँ से डन करेंगे और अभी देखिए यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, अभी देखिए बिफोर देखिए थोड़ा स्मूथ नहीं था, रफ टाइप में था, तो हम यहाँ पर स्मूथ हो कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ड्रॉ टूल में जाएंगे और यहाँ गाइस अपनी फोटो करेंगे सेव और चलेंगे लाइटरूम में। तो गाइस हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी लाइटरूम में और यहाँ पर गाइस लाइटरूम आने के बाद सिंपली लाइट्स पे जाते हैं। इसकी हाईलाइट को आपने रखना है 45 के आसपास, ठीक है, माइनस के 45, और शैडो इंक्रीज कर देना है अबाउट 50%, और फिर गाइस आप थोड़ा सा वाइट इज इसमें माइनस कर देना माइनस के 15%, और उसके बाद से आप सॉरी ब्लैक भी थोड़ा माइनस कर सकते हो, माइनस के 15 या 20 इसको भी रख सकते हो। फिर गाइस आपने नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाना है, कलर वाले टूल पर, और इसमें गाइस आपने वाइब्रेंस इंक्रीज कर देना है अबाउट 25% के आसपास, और फिर मिक्स टूल पर चले जाना, फर्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, इसका ह्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है आपने, ठीक है। और फिर गाइस हम जाते हैं अपने ऑरेंज वाले कलर पे, सॉरी पहले ब्लू पर चले जाते हैं, और इसका ह्यू माइनस के कर देंगे, माइनस के 40 के रख लेना आप। और फिर हम जाते हैं ऑरेंज वाले कलर पे, इसकी सेचुरेशन 10% और लुमिनस आप 10% इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से गाइस हम इसको डन कर देंगे, और डन करने के बाद से हम सीधा नेक्स्ट वाले टूल्स पे जाते हैं और यहाँ पर स्प्लिट टोन आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाने के बाद से आपने यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है, इसका ह्यू रखना है आपने, उधर लेफ्ट साइड में ध्यान देना है, ह्यू रखना है आपने 99 और सेचुरेशन को 26 या 27 रखना है, और फिर नीचे वाले को राइट साइड की तरफ एकदम लास्ट में ले जाना है और इसके सेचुरेशन को आपने रखना है 7 और 8 या फिर 6 भी रख सकते हो। फिर उसके बाद हम बैलेंस में ले जाएंगे और इसको रख देंगे हम 70 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 77 रख लेते हैं और फिर यहाँ से हम इसको डन कर देंगे, और उस डन करने के बाद हम सिंपली थोड़ा सा टेक्सचर इंक्रीज कर देंगे अबाउट 26 और क्लियरिटी अबाउट 10%, और फिर गाइस जो हमारा विग्नेट है इसको हम रख देते हैं माइनस के 30 रख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाते हैं। यहाँ पर गाइस शार्पनिंग इंक्रीज कर देते हैं हम 28%, नॉइस रिडक्शन अबाउट 20%। तो गाइस देखिए हमारी वीडियो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना।